नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गनगनिया पंचायत फतेहपुर के युवक अमित कुमार ने अपने ही परिवार वालों से पैसों के लिए अपहरण की साजिश रची और अपने ही परिवार वालों से फोन के माध्यम से अपहरण मामले में पैसों की मांग करने लगा। बता दें, विगत 9 तारीख को अमित कुमार सुल्तानगंज आने के क्रम में रास्ते से गायब हो गया। वही परिवार वालों द्वारा काफी खोजबीन के बाद नहीं मिलने पर स्थानीय थाने में लिखित आवेदन देकर अपने पुत्र अमित कुमार के अपहरण मामले में आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। सुल्तानगंज थाने में उनके परिवार वालों द्वारा दी गई अपहरण की घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना और लाइन ऑर्डर DSP डॉक्टर कुमार हरकत में आ गए और टीम गठित कर 3 दिन में अपहरण की साजिश का पर्दाफाश करते हुए 7 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया है। वही डॉक्टर गौरव कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि अपहरण का मामला एक साजिश था जिसमें साइबर क्राइम के लोग भी जुड़े हुए थे, जिसमें फेसबुक पर माही फ्रेंडशिप ग्रुप के जरिए लोगों से ठगी का काम किया जा रहा था, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। इस घटना में 7 युवाओं की गिरफ्तारी कर ली गई है और भी लोगों की गिरफ्तारी होने की बात कही गई है। इस मामले में पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। वो जो 9 तारीख को आवेदन मिला और ये 8 तारीख को ये घटना घटी थी और 6 तारीख को अमित के साथ दिव्यांशु ने ये प्लानिंग पूरा किया था 6 तारीख को। तो 9 तारीख को आवेदन मिलने के बाद तकरीबन हम लोग को 3 दिन लगा, जो कि बहुत ये कठिन था क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड का एक पूरा गैंग जो है इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त था। तो हमें टेक्निकली भी अनुसंधान करने में इसमें डिफिकल्टीज आ रहा था और जिस तरीके से बैंक अकाउंट, जैसे कि बताया कि वो कहीं ना वो इन लोग का नहीं था, वो इन्होंने किसी से खरीदा था, तो इन लोग का पूरा जो MO था, मोडस ऑफ ऑपरेंडी, वो ये लोग जितना भी फर्जी अकाउंट है बैंक में उसको दूसरे लोगों से खरीदते थे और उस फर्जी अकाउंट में ये लोग जो है ये ट्रांजेक्शन करवाते थे। तो ये जो इसको डिटेक्ट करने में हम लोग को थोड़ा समय लगा, लेकिन 3 दिन में पुलिस को सफलता, भागलपुर पुलिस को सफलता मिली और हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और इसका उद्भेदन किया है। और साइबर क्राइम जो हो रहा है सर, इसमें और भी संलिप्त हो सकते हैं क्या देखा जी? अभी तो हम लोग उसका पूरा बैंक अकाउंट जो है, जो भी इस टाइप के जो अकाउंट्स हैं, जो फर्जी अकाउंट्स हैं, जो कि किसी ने बेच दिया है एक एनोनिमस पर्सन ने, और ये जो ग्रुप है जो कि मैंने बताया मस्कन में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, नाथनगर मस्कन में, उसके बाद मोहनपुर में बहुत एक्टिव है, तो इन लोगों का जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स हमने देखा तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स जो है बहुत सारे हुए हैं। तो हमने जो भी जितने भी थानेदार हैं, जितने भी सर्कल इंस्पेक्टर हैं, उसको निर्देशित किया है उन लोगों को कि वो बैंक से समन्वय बनाए और इस टाइप के बैंक अकाउंट्स को चिन्हित करें कि जहाँ पे एनोनिमस ट्रांजेक्शन्स बहुत हो रहा है, तो एक समन्वय बना के हम लोग कहीं ना कहीं इसको हम पार पा सकते हैं, इस पे हम लोग लगाम लगा सकते हैं। जो 8 गिरफ्तारी है सर, ये टोटल कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, इसमें जैसे कि मोहित है और अमरजीत है, अमित है और दिव्यांशु है, ये सुल्तानगंज के रहने वाले हैं। उसके बाद फिर विभास है और आदर्श। 8 में दिव्यांशु भी शामिल है ना? जी जी हाँ। तो चूंकि ये जो स्वांग रचा इस तरह का, इस वजह से उसके ऊपर भी मतलब एक अलग से एफआईआर हो गया। हाँ, हमने 420 और रंगदारी तबक्के के और उस मामले में इसकी गिरफ्तारी जी जी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का इसमें केस दर्ज हुआ है और विधिवत जो है हम लोग इसको। और सर 4 कहाँ के हैं इसमें? उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि सनहौला भी गए थे ये लोग, तो सनहौला में तारण नाम का जगह है, तो वहाँ पे विभास है और कुछ गिरफ्तारी बची हुई है, तो कुछ लोग जो है सनहौला के हैं और कुछ लोग जो है सुल्तानगंज के। वी टाइम न्यूज के लिए भागलपुर से वरुण कुमार की रिपोर्ट।